आज हम पढ़ने जा रहे हैं बींग के बारे में, BEING, बींग। हमने बहुत बार इसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में भी देखा है और रिटन में भी बहुत इसका उपयोग किया जाता है। तो बींग एक्चुअली होता क्या है और हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो आज हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीखेंगे और आपको पूरा लास्ट तक समझना है और देखना है। तो बींग जो है वह एक वर्ब, बी जो वर्ब होता है इससे बना है, उसमें ING फॉर्म होता है बींग। तो बी का मतलब होता है होना, किसी भी चीज़ का होना वह बी कहलाता है। तो उसी से बना है बींग, मतलब कि होना, ठीक है, किसी चीज़ का होना बींग कहलाता है। अब हम बींग का स्पोकन इंग्लिश में कैसे प्रयोग कर सकते हैं यह आज हम सीखते हैं। तो सबसे पहले बींग का प्रयोग होता है एज अ जेरेंड। अब आप यहाँ पे ये मत कंफ्यूज मत होना कि जेरेंड क्या होता है। जेरेंड उसको कहा जाता है जब कोई भी एक्शन या कोई भी वर्ब किसी शब्द में, किसी सेंटेंस में, जब कोई आपका वर्ब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तब वह जेरेंड कहलाता है, ठीक है। और ये हमारा बींग, ये क्या है, हमारा एक वर्ब है। और यह वर्ब में होकर भी जब हम किसी सेंटेंस में इसका प्रयोग एज अ जेरेंड करते हैं, मतलब कि एज अ सब्जेक्ट करते हैं, जैसे किसी चीज़ का होना, किसी भी होने के नाते, कुछ भी होने के नाते जब हमको ऐसा बोलना हो, तब हम बोलते हैं बींग, जैसे अ टीचर, शिक्षक होने के नाते, बींग अ ब्रदर, भाई होने के नाते, जैसे बोलना है बींग अ फ्रेंड, एक दोस्त होने के नाते, है ना। बींग अ ह्यूमन, बींग अ ह्यूमन आपने सुना होगा क्यों, इंसान होने के नाते। इस प्रकार से जब भी हमें कुछ भी होने के नाते बोलना हो तो हम उसके साथ लगा सकते हैं बींग अ करके बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे बींग अ ब्रदर, बींग अ सिस्टर, है ना, बींग अ फ्रेंड, बींग अ टीचर, बींग अ ऑफिसर, कुछ भी जो भी आपको होता है, बींग अ स्टूडेंट, जो भी हम कुछ भी होने के नाते यदि हमें बोलना हो कुछ भी होने के नाते, तो हम बींग को एज अ जेरेंड यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। यह हमारा हो गया बींग का फर्स्ट सिचुएशन में यूज कैसे कैसे करना है। तो बींग का मतलब समझ गए, किसी चीज का होना या किसी चीज के होने की क्रिया को, किसी के होने की अवस्था को दर्शाता है बींग के द्वारा। चलिए हम इसका अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं बींग का दूसरा कैसे यूज कर सकते हैं। एक तो हमने पहले देखा कि बींग का प्रयोग हम एज अ जेरेंड कर सकते हैं, ठीक है, कोई बींग को एक सब्जेक्ट बना के किसी चीज के होने पे। दूसरा उसका होता है प्रयोग रहना या होना, किसी चीज के रहने या फिर होने की वो हम बींग के द्वारा बता सकते हैं। जैसे कि आई लव बींग विथ यू, मुझे आपके साथ रहना पसंद है, इस प्रकार से। दूसरा आई लाइक बींग विथ हिम, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है या पसंद है। तो उसके साथ रहना, है ना, रहना या फिर होना, मुझे उसके साथ होना पसंद है या फिर उसके साथ रहना पसंद है। जैसे स्टार्ट बींग स्मार्ट, स्मार्ट रहना शुरू करो, है ना। इसी हम कुछ बोलना है कि स्टार्ट बींग स्मार्ट, उसका मतलब हुआ कि स्मार्ट रहना शुरू करो, ठीक है। इस प्रकार से हम बींग का प्रयोग कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई हेट बींग लेजी। पहले हम ने जो सेंटेंस देखे थे उसमें बींग कहाँ प्रयोग हो रहा था, सब्जेक्ट के रूप में, पर अब ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा, ये वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा था। आई हेट बींग लेजी, मुझे आलसी रहना पसंद नहीं है, मुझे आलसी रहना पसंद नहीं है, ऐसा बोलना है तो हम बोल सकते हैं आई हेट बींग लेजी। तो ये हमारा था सेकेंड सिचुएशन। चलिए अब हम एक और सिचुएशन देखते हैं कि बींग का थर्ड सिचुएशन क्या होता है। चलिए तो अब हम बींग के तीसरा उपयोग के बारे में सीखेंगे कि उसका थर्ड उपयोग क्या होता है। थर्ड उपयोग होता है जब हमें किसी चीज का, किसी का भी टेम्परेरी बिहेवियर बताना हो। टेम्परेरी बिहेवियर मतलब उसकी ऐसी आदत जो कुछ समय के लिए हो, है ना, क्षणिक हो। जब टेम्परेरी बताने हो उसकी आदत किसी की भी, तब हम बींग का प्रयोग करते हैं। जैसे वाई आर यू बींग लेजी, तुम आलसी क्यों बन रहे हो,
तो वह आलसी बन रहा है, अभी बन रहा है कुछ टाइम के लिए, नहीं कि हमेशा के लिए, है ना। तो कुछ समय के लिए जो कुछ जिसका बिहेवियर होता है, किसी का व्यवहार जो कुछ समय के लिए हो, तब हम उसका प्रयोग करते हैं बींग का। दूसरा इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, वाई आर बींग ओवर स्मार्ट, तुम ओवर स्मार्ट क्यों बन रहे हो। तो जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, तो हम उसकी जो बिहेवियर है जो कुछ समय के लिए बनी हुई है, उसको बताने के लिए हम कहते हैं बींग का प्रयोग करते हैं। जैसे वाई आर यू बींग ओवर स्मार्ट, ठीक है। अब इसका फोर्थ सिचुएशन देखते हैं। फोर्थ यह पैसिव वॉइस के लिए भी यूज किया जाता है। जब पैसिव वॉइस में कब किया जा रहा हो, जब कोई काम किया जा रहा है या किया जा रहा था या किया जा रहा था, इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई काम किया जा रहा है या फिर पास्ट में कोई काम किया जा रहा था, तो उस सिचुएशन में हमको बताने के लिए बींग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश इज बींग टॉट, इंग्लिश सिखाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ कुछ काम किया जा रहा ना, क्या काम किया जा रहा है, इंग्लिश सिखाने का काम किया जा रहा है, तो उसी को बताने के लिए बोला गया है इंग्लिश इज बींग टॉट। इसके बाद सेकेंड देखते हैं हम, आई वॉज बींग कॉल्ड, मुझे बुलाया जा रहा था। अब मुझे किस यहाँ बता रहा ना, कोई काम किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा था, बुलाने काम, तो आई वॉज बींग कॉल्ड ये बोलना है, तो हम बींग का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड सिचुएशन क्या हुआ, थर्ड नंबर का हम सेंटेंस देखते हैं, इट इज बींग कॉल्ड, और ऐसा कहा जा रहा है या फिर ऐसा कहा जा रहा था, तब हम बोलेंगे इट इज बींग कॉल्ड। तो यह था हमारा आज का बींग के यूजेस का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको आपको यूजफुल लगा हो और आपको समझ में आया हो। यदि आपको समझ में आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके सेंटेंस बनाएं। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।